कॉलम क्लास के बारे में बात करेंगे इस वाले वीडियो में। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था प्राइस पार्क में, इस वाले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इस कॉलम में। ठीक है, बात ध्यान रहते हैं। कॉलम क्लास रिप्रेजेंट सिंगल कॉलम ने डेटा फ्रेम प्राइस। तुम्हारा क्लास कॉलम क्लास प्रोवाइड सेवरल फंक्शन टू वर्क विद डेटा फ्रेम टू मैनिपुलेट द कॉलम वैल्यूज, इवैल्यूएट द बूलियन एक्सप्रेशन टू फिल्टर रोज, रिट्रीव अ वैल्यू और पार्ट ऑफ अ वैल्यू फ्रॉम अ डेटा फ्रेम कॉलम। लेट कमांड का इस्तेमाल कर सकते हो बाय डिफॉल्ट कोई एक कॉलम में डेटा को भेजने के लिए। बाय डिफॉल्ट डेटा को जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर मीत भेजना चाहता हूँ कोई भी एक नया डेटा कॉलम में, तो मैं मीत डालूंगा। अगर वो डबल कोट्स में अंदर डालूंगा, इफ आई वांट टू मैं वन भेजना चाहता हूँ या फिर कोई नंबर भेजना चाहता हूँ, तो मैं बिना डबल कोट्स के डालूंगा। फटा से कर देते हैं, इम्पोर्ट ओ आर जी अपाचे डॉट स्पार्क डॉट सिक्वल डॉट स्पार्क सेशन, इम्पोर्ट ओ आर जी डॉट अपाचे डॉट स्पार्क फंक्शन डॉट कॉल डॉट लेट, इम्पोर्ट ओ आर जी डॉट अपाचे डॉट स्पार्क डॉट सिक्वल डॉट टाइप स्ट्रिंग टाइप स्ट्रक्ट फील्ड स्ट्रक्ट टाइप इंटीजर टाइप, सारी चीजें इंपोर्ट कर दिए। अब मैं डेटा फ्रेम क्रिएट करना है, किस तरह से करूंगा डेटा फ्रेम क्रिएट? वाल डेटा क्रिएट करूंगा, उसके बाद मैं स्पार्क क्रिएट नहीं किया तो स्पार्क क्रिएट कर दूंगा। इक्वल टू स्पार्क सेशन डॉट बिल्डर डॉट ऐप नेम, एक मिनट को, बिल्डर में होता है किस में होता है? हाँ सही है, उसमें होता है यार, पाइथन में डबल कोट्स में होना चाहिए तुम्हारा। ओके, वाल डेटा क्रिएट करते हैं, सिक्वेंस क्रिएट करेंगे, रो क्रिएट करूंगा वन कॉमा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कर दिया कॉमा अरे 2.5, रो करे तो यूरी कर दिया अरे 5.9, कुछ भी डाल दिया मैंने अरे कर दिया। वाल स्कीमा करूंगा, स्ट्रक टाइप करेंगे, इसके अंदर मैं अरे लिस्ट कुछ भी पास कर सकता हूँ, मैं फॉर एग्जाम्पल अरे पास कर रहा हूँ, और इसके अंदर मैं स्ट्रक फील्ड करूंगा, कर पा रहे फील्ड करूंगा, यहाँ पे मैं सबसे पहले आईडी पास कर रहा हूँ, दूसरा मेरा यहाँ पे आईडी क्या है ना इंटीजर टाइप है, और नलेबल को तुम इस तरह से कर सकते हो, नलेबल इक्वल टू टू पास कर सकते हो, दूसरा स्ट्रक फील्ड कर सकते हो, यहाँ पे नेम कर दोगे स्ट्रिंग टाइप कर दोगे, यहाँ पे मैं कॉपी कर देना बेसिकली स्ट्रक फील्ड एंड नंबर। एरे टाइप को मैंने इम्पोर्ट नहीं किया इसे, तो एरे टाइप को इम्पोर्ट करना है एरे टाइप, इंटीजर टाइप कर देता हूँ, नलेबल वाल df इक्वल टू स्पार्क डॉट क्रिएट डेटा फ्रेम और स्पार्क डॉट स्पार्क कंटेक्स्ट डॉट पैरालाइज डेटा और स्कीमा स्कीमा डिस्प्ले df। यहाँ पे डेटा आ गया मीट ऑल 2.5 सीरियसली। आई वांट टू एक्सेस दिस कॉलम नेम, हाउ आई कैन एक्सेस इट बताता हूँ, df डॉट सेलेक्ट नेम डॉट कलेक्ट, ठीक है यहाँ पे नेम आ गया इस तरह से, मैं डॉट कलेक्ट का भी चाहूंगा, डॉट शो वैसे नहीं हो रहा है कलेक्ट के बाद नहीं कर सकता, तो मैं यहाँ पे ऐसे करूंगा। और इसके बाद मैं एक और चीज उठा सकता हूँ, अगर डीएफ डॉट सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं इतना हटा देता हूँ, मैं यहाँ पे इसको हटा के कॉल को मैंने इम्पोर्ट किया मेरे ख्याल से ऊपर, तो कॉल से भी उठा सकते हो, तो यहाँ पे एक और चीज कर सकता हूँ मैं, अगर ये वाला कॉपी कर लेता हूँ डायरेक्ट सेलेक्ट से भी कर सकता, देखो यार नेम की जगह पे अगर कुछ लोग बोलोगे नेम नेम ही सेलेक्ट कर लो, आईडी कर लेते हैं, आईडी कर देते हैं यार सीरियसली आईडी इस तरह से। एक और तरीका है, ठीक है एक और तरीका नहीं है गाइस यार, मैं अब मुझे ना यहाँ पे तुम देखो यार रैंड नंबर्स भी एक्सेप्ट करना है, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे नंबर्स, ठीक है पर रैंड नंबर्स का एट जीरो पोजीशन चाहिए मुझे, अगर यहाँ पे जीरो पोजीशन पे करूँ, ठीक है जीरो पोजीशन यहाँ पे कॉल करके उसके बाद मेरे को जीरो पोजीशन में डेटा आ जाएगा इस तरह से। अब मैं जीरो पोजीशन है यहाँ पे देखो ना, जीरो पोजीशन यहाँ पे डाल दिया मैंने, अब इसके बाद मैं इसको एलाइसिस कर सकता हूँ, ठीक है यहाँ पे अगर डाल दिया जीरो इंडेक्स, ठीक है तो गाइस यार ऐसे भी कर सकते हो गाइस, ये भी तरीका यार, एक मिनट को, ओके ओके यहाँ पे रख दिया, ओके यहाँ पे देखो मैप टाइप का भी मैंने एक्सेस किया, कैसे एक्सेस किया यहाँ पे गेट आइटम से लेके, तो गेट आइटम से भी कर सकते हो, ये मैंने ऑलरेडी बताया यहाँ पे गेट आइटम मैप कॉलम उठाओगे डॉट गेट आइटम से मैं उठा सकता हूँ, तो ये भी तरीका है, इस तरीके से भी कर सकते हो, मैं वहां पे रन करके नहीं देख रहा, कर सकते हो यहाँ पे तुम देखो यहाँ पे बट गेट आइटम में वहां पे डेटा पड़ा हुआ है, बस यहाँ पे तुम देखो मैंने ऑलरेडी कवर, इससे मैंने कवर नहीं करा, यप तुम मैप आइटम यहाँ पे मैप आइटम क्रिएट करोगे स्ट्रिंग इंटीजर, पिछले वीडियो में बताया हमने मैप कॉलम इस्तेमाल करूंगा, यहाँ पे मैप की वैल्यू, अब की वैल्यू को मैंने एक्सेस करना है तो गेट आइटम से एक्सेस करूंगा या फिर गेट फील्ड से एक्सेस करूंगा यहाँ पे इसका की वैल्यू, अगले वीडियो में मिलता हूँ, आई डोंट थिंक और कुछ करना है, देखते हैं एक मिनट को, बस इतना ही था इस कॉलम में, अगले वीडियो में वेन अदरवाइज ये सब चीज के बारे में जानेंगे, तो वीडियो कनेक्ट करते हैं।